हेलो फ्रेंड्स, हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायर डेट देखते हैं। पर क्या आपको पता है पेट्रोल भी एक्सपायर होता है? तो पेट्रोल को क्रूड ऑयल से प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसके लिए क्रूड ऑयल में कुछ और केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें से एथेनॉल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गाड़ी रेगुलर चलाते हैं तो पेट्रोल यूज़ होता रहता है, पर अगर हम गाड़ी को रेगुलर नहीं चलाते तो उसमें केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे पेट्रोल ख़राब होने लगता है। पेट्रोल कितने टाइम में ख़राब होता है, ये टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो पेट्रोल की शेल्फ लाइफ 6 महीने होगी। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो पेट्रोल की शेल्फ लाइफ 3 महीने की होगी। मतलब जितनी गर्मी उतनी लाइफ कम। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक को 3 महीने बाद चलाते हैं पुराने पेट्रोल के साथ, तो उससे आपके इंजन पर इफेक्ट पड़ता है। गाड़ी की कार्ब्यूरेटर और फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ सकती है और फ्यूल लाइन भी जाम हो सकती है। इंश्योर आपकी गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। इससे अगर आप काफ़ी टाइम बाद अपनी गाड़ी को चला रहे तो पहले उसके पेट्रोल टैंक को क्लीन कर लें और उसमें फ्रेश पेट्रोल डालकर ही यूज़ करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।